आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसएन न्यूज हैदराबाद। लॉकडाउन रहने की वजह से डेली कमाकर अपना गुजारा करने वाले लोग बहुत परेशान हैं। वैसे ही किशनबाग अर्श महल के इलाके में रहने वाले जो डेली लेबर का काम कर अपना गुजारा करते हैं, अब ये लोग काम न रहने की वजह से खाने के लिए घर में राशन भी नहीं है। ये लोग मुकामी पैसे वाले लोगों से और सोशल वर्कर से जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इनको भी देकर इनकी मदद करने की गुजारिश की, या फिर इन लोगों के पास 5 रुपए वाले मील्स का बंदोबस्त करके इनकी मदद भी की जा सकती है। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। ये अर्श महल की पहली गली है, यहाँ पे गरीब बहुत है। एक जने कमाए तो 4 जने बैठ को खाने वाले है, वो 4 जने बैठ गए घर में, एक जने तो अब ये बच्चों का कैसा होगा गुजारा। हमारे गली में तो कोई चीज़ नहीं आती। पहली गली अर्श महल की, जहाँ पे नाका बना हुआ है, पुलिस टाउन बना हुआ है, वो गली में कोई भी नहीं आते यहाँ पे हमारे पास। अच्छा आता ना बुरा आता ना कोई चीज़ नहीं आते यहाँ पे। फिर यहाँ पे गुजरान कैसी होंगी? बीमारियाँ देखे तो ऐसा फैले बोल रहे हैं जिसका है नहीं, घर से बाहर ना कूद लो बोल रहे, तो फिर खाएंगे तो क्या खाएंगे, कैसा रहेंगे? ये आप लोग ज़रा कोशिश करिए हमारे वास्ते भी, हमारा भी ख्याल करिए आप, मेहरबानी होती आप लोगों की। अस्सलाम। चलाते बेकरी में काम करते थे, सब काम वामा बंद हो गए। अब खाना तो क्या खाना, अब तो लगा खा लिए हम लोग, था सो खा लिए, अब क्या खाना। अब हम लोग भी बोलते भी लेडीज घर में कुछ भी काम कर लेते, वो भी बंद हो गया हमारा, अब कैसा करना। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे कहने भी, और कोई तो हमको पूछने वाला नहीं। अब सब जनों को देख रहे हम लोग, सब जने बोल रहे दुनिया का बांट के जा रहे बोल के। हमारे फर्स्ट गली में तो कोई आ रहे नहीं, बांट रहे नहीं। अर्श महल की फर्स्ट गली है ये। किधर आता है अर्श महल? किशनबाग से थोड़ा आगे इधर आता है, सिखों के बस्ती के ठंडा है नहीं सरदर जी का, वहाँ है फर्स्ट गली है। जो भी बांटने वाले हैं यहाँ पर भी फर्स्ट गली में आके तकसीम करो। और यहाँ पर तो सब जने भूखे हैं, परेशान है सब जने। यहाँ पर दुआ देंगे सब जने, सब जने दुआ देंगे यहाँ पर भी आके, अगर से पूछ लेंगे तो। आप लोग अर्श महल की गली में रहते हैं, पहली गली है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, खाने को नहीं है। बच्चे पूरे के हमारे यहाँ बेवे का धंधा करते थे, बंडी छीन लिए, अब क्या खाना क्या पीना। देखो आप लोग देंगे तो बहुत आपका शुक्रिया होगा, आप बहुत मदद करेंगे तो। छोटे बच्चे जो दुआ देंगे आपके लिए बस। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अर्श महल पे पहली गली में कुछ भी अहमदात नहीं कर रहे, यहाँ पर खाली कर रहे कर रहे, हर जगह बोल के सुनने में आ रहा है। यहाँ रोज लाए तो खाना है, कैसा जिएंगे गरीब लोग? छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रही, कैसा करेंगे? आटवा वाले आटवा ले ले, हमारे मर्द कपड़े का धंधा करते, वो भी बर्खास्त हो गया, सब बर्खास्त हो गया, क्या खाएंगे हम लोग? भूखे रहेंगे क्या? बच्चे रो रहे हैं, चलो बड़े भूखे रह जाएंगे, अभी पानी पी लेंगे जी लेंगे, छोटे बच्चे कैसा जिएंगे? लीडर आ रहे ना कोई आ रहे, कैसा करेंगे? आप लोग सब जगह इमदाद करेंगे तो अर्श महल की पहली गली में दे रहे नहीं, अंदर आके अंदर तक महल्ला है, बहुत बड़ा है, 100 से ज्यादा फैमिली है यहाँ पर, लोग घर है 100 से ज्यादा, मगर लोग कोई नहीं, लीडर नहीं, कोई मदद नहीं कर रहे यहाँ पर, उधर इधर मदद कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं बोल के सुनने में आ रहा, मगर ये पहली गली में नहीं कर रहे। दिए भी तो आपकी मेहरबानी होती, हर घर में कार्ड देख के दियो। जी मैं अर्श महल किशनबाग अर्श महल से बोल रही हूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हर जगह बांट रहे बोल के सुनने में आ रहा, हमारे महल पे भी है, लेकिन हमारे कहने की कुछ ऐसा खर्चे पानी को कुछ नहीं है, था 1-2 दिन में ख़त्म हो गया। हम भी मेहनत करके खाने वाले हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई लाए तो भी नहीं दे रहे इधर। आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार इधर गली में आके जरा देखिए आप लोग, हमारा भी कुछ ख्याल करिए। यहाँ पे लोकल के लीडरों को किसी को मदद के लिए बोले हम? कोई भी नहीं है, सब अपने अपने घर भर लेते, कोई भी लाके नहीं दे रहे, सब उधर ही बांट लेते, उधर ही देख लेते, इधर कोई आते नहीं देखते नहीं। यहाँ पे भी गरीब लोग है, रोज मेहनत करके खाने वाले है। क्या काम करते हैं यहाँ के लोग? यहाँ कोई फलाम बेच लेते है, कोई स्क्रैप की दुकानों पे कर लेते है, ऐसा मेहनत मजदूरी करने वाले है सब। कोई